किसान भाई नमस्कार। हमारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हमने यहाँ पर बेड बनाकर मल्चिंग लगाया हुआ है लेकिन ड्रिप नहीं लगा हुआ है, फिर किसान भाइयों का कमेंट आता है आप खाद कैसे देते हैं, तो आज इसमें हम खाद देकर आपको बताएंगे कि इसमें खाद दिया कैसे जाता है। सबसे पहली बात तो जब हम इसमें बेड का प्रिपरेशन करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो उसी समय पर हम संपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं, जो जो भी खाद देना होता है, सब कुछ मिक्स करके इसी समय बेड में दे देते हैं, उसके बाद मल्चिंग लगा देते हैं। और इस तरीके से जब मल्चिंग लगाते हैं तो करीब 1.5 से 2 महीने तक इसमें किसी भी फसल में खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा खाद वहाँ से मिलता रहता है। और इस तरीके से जब आप मल्चिंग लगाते हैं तो जो पौधों की जड़ों का ग्रोथ होता है पूरा नीचे अंदर तक जाता है। अभी हम आपको थोड़ा सा मल्चिंग उठाकर भी दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें जड़ों का ग्रोथ होता है, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें खाद कैसे देना है। तो आप यहाँ पर मल्चिंग हटाकर देखते हैं, कैमरा थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप मल्चिंग हटाकर देखते हैं तो ये जो है इसकी वाइट रूट्स हैं, सफ़ेद सफ़ेद जड़ें नीचे तक आई हुई हैं, जितना आपका टोटल खाद मिक्स है वहाँ तक आपकी जड़ें पहुँच रही हैं। और इस तरीके से ऊपर उठाते हैं तो आप देखते जाएंगे कितनी वाइट रूट्स हैं, सभी प्योर वाइट कलर में हैं, मतलब कि जड़ें एकदम पूरी अच्छी तरीके से विकसित हैं ये। और आप यहाँ पर मिट्टी यदि खोदेंगे तो अंदर भी आप देखेंगे कि अंदर भी इसकी जड़ें आपको मिलेंगी, अंदर पूरी इसकी जड़ें मिलेंगी। तो इस तरीके से यदि इसमें पौधों का जड़ क्षेत्र फैला हुआ है तो जितना भी पोषक तत्व तो इस मल्चिंग के नीचे पड़ा हुआ है ये पूरा पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, और क्योंकि मल्चिंग की वजह से यहाँ पर खरपतवार नहीं है तो वो पोषक तत्व तो पूरा उपलब्ध रहेगा और पौधे उसको लेंगे। पूरा 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 90% से ऊपर पौधे इसको एब्जॉर्ब करेंगे, और यही कारण रहता है कि पौधा 1.5 से 2 महीने तक इसको दोबारा इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब पौधों में कहीं कहीं पर पोटाश की कमी के लक्षण दिख रहे हैं, पत्तियों में जो पीलापन आ रहा है ये पोटाश की कमी की वजह से आ रहा है। किसान भाइयों, क्योंकि इस समय पर अब पोटाश जो मार्केट में है अच्छे से उपलब्ध नहीं है, और जो बोरी वाली पोटाश होती है 60% वाली, उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, और जो हम यहाँ पर वाटर सोल्युबल पोटाश होता है ये वाला, जिसे हम स्प्रे में भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर ड्रिप के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, इसी पोटाश का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम मिट्टी में खेत की तैयारी के समय पर पोटाश नहीं देते हैं, और वही लक्षण इसमें कमी का दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पर जो पोटाश जिस भी खेत में दे रहे हैं सब में या तो हम ड्रेंचिंग करके दे देते हैं या फिर हम इसको किसी खाद के साथ मिक्स करके देते हैं, क्योंकि किसान भाई पोटाश ऐसा खाद होता है कि ये वोल्टाइल ज़्यादा होता है, मतलब कि इधर उधर भागता ज़्यादा है। यदि आप पहले से इसमें दे देंगे तो ये जब आप इसकी सिंचाई करेंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा मिट्टी में, तो इस वजह से इसका प्रयोग शुरुआत में, क्योंकि और सब खादों के पास और सब जब आप खाद मिक्स करते हैं तो उसमें कुछ पोटाश की मात्रा रहती है, जब फल बनने लगते हैं तो उस समय पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक आध स्प्रे आप कोई करते तो उसमें भी आपको पोटाश मिल जाता है। तो यही वजह रहती है कि जब भी हम पोटाश देते हैं तो जो खाद पहली रोज दी जाती है उसके साथ देते हैं। अब यहाँ पर हम इसके साथ पोटाश मिक्स करके देंगे तो उसकी भी कमी दूर हो जाएगी। जो पत्तियों में पीलापन आना शुरू हुआ है, ये जो इस तरीके से पत्तियों में पीलापन है ये तो नहीं जाएगी, लेकिन जो नई पत्तियां हैं उसमें इस तरीके से पीलापन नहीं आएगा, और जो फल बनेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो अब यहाँ पर हम जो खाद देंगे, क्योंकि जो सबसे पहले हमने खाद दिया था उसमें भी हम आपको बता दें यही सब खाद मिक्स रहती है, इसमें SSP मिला हुआ है, DAP मिला हुआ है, सागरिका मिला हुआ है, मैग्नीशियम मिला हुआ है, यूरिया मिला हुआ है, और इसी के साथ यहाँ पर सल्फ़र WDG का प्रयोग किया गया था, लेकिन खेत की तैयारी के समय हमने सल्फ़र का जो बेंटोनाइट फॉर्म आता है उसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया था। इसमें बोरान मिला हुआ है, और इसके साथ ही इसमें जो एक आता है अबमेलनू कंपनी का, टोटल नाम से आता है, आप किसी दूसरी कंपनी का ले सकते हैं, जिसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें आपको ह्यूमिक एसिड होना चाहिए, फोलबिक, पोटेशियम, विटामिन, ये सब होते हैं जो कि पौधों की जड़ों के ग्रोथ के लिए सही होते हैं। कैल्शियम का प्रयोग और यूरिया का प्रयोग अभी इसमें नहीं किया गया है, यूरिया का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम इसमें डाला गया है, यूरिया का प्रयोग हम इस बार नहीं कर रहे हैं, और कैल्शियम हम इस समय पर मिक्स करेंगे जब इसको खेत में डालना है, क्योंकि यदि हम कैल्शियम पहले से इसमें डाल देते हैं तो इसमें जो है ये गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है इसको भी इसी के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, और आज हम टोटल खाद नहीं डालेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा मिक्स करके आपको दिखाते हैं। कैल्शियम इसमें मिक्स करना है। कैल्शियम का काम क्या होता है, पौधों को इसमें जो फल बन रहे हैं इसकी क्वालिटी अच्छी आती, चमक अच्छा आता है, और फल टेढ़े मेढ़े नहीं बनते, अच्छे साइज़ के बनते हैं। यदि कोई फल आपका टेढ़ा हो रहा है उस टाइप से तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बोरान फलों को चमक लाता है और उसको फटने से रोकता है, तो कैल्शियम बोरान जब फल आ रहे हैं तो उस समय देना ज़रूरी हो जाता है।
और जो पोटास है ये भी फलों में चमक लाता है, अच्छी साइज लाता है और फलों के लिए ज़रूरी होता है। पौधों को भी ये मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये जो पोटास है ये अभिमन्यु कंपनी का जो वाटर सोलूबल है इसका हमने प्रयोग किया। आपके लोकल मार्केट में जो आपका जो दुकानदार है वो जिस भी कंपनी के डीलर हैं उस कंपनी को आपको हर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसी कंपनी का आपको NPK मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। तो आप अच्छी कंपनियों का प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर जो ये पोटास है इसको भी थोड़ा सा हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। ये जो वाटर सोलूबल होता है काफ़ी बारीक होता है, तो आपको जिस खाद के साथ मिक्स करना है उसका भी जो दानों की साइज है इससे मिलता जुलता होना चाहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अब इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। और किसान भैया क्वांटिटी की बात करें, हमारा कोई बहुत ऐसा अच्छा कोई परफेक्ट रेशियो हमने नहीं बनाया हुआ है। करीब 10 kg DAP रहती है, तो उसके साथ 4 kg 3 kg के साथ हम उसमें SSP ले लेते हैं ताकि जो बारीक वाली खाद है वो भी बराबर मिल जाएँ। और उसी के साथ जब हम इसमें यूरिया मिलाते हैं, अभी कभी आपको यूरिया मिलाना हुआ तो 10 kg में आप 3-4 kg यूरिया मिला सकते हैं। 10 kg में 1 kg बोरान, 2-3 kg मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फ़र की बात करें तो 10 kg में आप 1 kg सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। 10 kg में करीब 3 kg आप कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सागरिका की बात करें, 10 kg में 2 kg सागरिका और 10 kg में यदि आप मेनू का टोटल की बात करें तो 2 kg आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 1.5-2 kg। और यदि आप ह्यूमिक एसिड 99% वाला 98% वाला प्रयोग करते हैं तो आप 10 kg में 0.5 kg आप प्रयोग कर सकते हैं या आप 250 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर खाद मिक्स हो गया है, तो अब इसको देना कैसे है? जैसे कि नीचे से पूरा कवर है इसको तो हमने यहाँ से हटा दिया है। यदि आप मल्चिंग काट कर प्रयोग करते हैं, मतलब 2 फीट का प्रयोग करते हैं, तो आप इसको नीचे से इस तरीके से उठा के ऐसे खाद इसमें से आप डाल देंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको इसका जो होल बना हुआ है इस होल के माध्यम से आपको चारों तरफ खाद डाल के इस तरीके से इसमें फेंक देना है। इस तरीके से इसमें हाथ डालेंगे, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ आपको इसमें फेंकते जाना है इस तरीके से। जब आप इसमें फेंकेंगे तो आधा इधर जाएगा, आधा उधर, चारों तरफ हल्का हल्का सा पहुंच जाएगा। इसी तरीके से आगे ये जो होल है इसमें भी आपको इसी तरीके से थोड़ा सा उठाकर दोनों तरफ से फेंक देना है। किसान भाइयों थोड़ा सा मेहनत आपको ज़रूर लगेगा, जब आप इस तरीके से खाद डालेंगे टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप यहाँ पर जो खाद दे रहे हैं उसका जो है 90% से ऊपर पौधों के द्वारा इसका जो प्रयोग किया जाएगा, पौधे आपके अच्छे चलेंगे। तो मल्चिंग आप प्रयोग करिए और मल्चिंग में इस तरीके से आप खाद दीजिए। बहुत बार आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बेसल डोज में अच्छे से खाद दीजिए, उसके बाद 50-60 दिन के अंतराल पर आप एक बार ये खाद दीजिए। इस खाद को देने के बाद फिर आपको जो अगला खाद देना करीब 30-40 दिन के अंतराल पर आपको एक बार और खाद देना है। उसके बाद आपका जो फसल है वो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन दे चुकी होगी, फिर आपको कुछ देना है तो आप बीच बीच में कभी और दे सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से किसी चीज़ की कमी लग रही तो आप उसको पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब किसी और का कोई प्रश्न हो कि मल्चिंग में खाद कैसे देना है, एक फसल हो गई, इसी तरीके से कोई भी फसल हो आप उसमें खाद दे सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। यदि किसी एक खास तत्व की कमी है तो वाटर सोलूबल आप 0050 ले सकते हैं, कैल्शियम बोरान की ड्रेंचिंग से भी खाद दे सकते हैं। इस तरीके से ऊपर के होल से भी खाद डाल सकते हैं, नीचे से पन्नी उठाकर भी खाद दे सकते हैं। तो ये तरीका है मल्चिंग में खाद देने का। और काफ़ी किसान भाइयों का कई बार कमेंट आता रहा है, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाकर बताया, लेकिन खासकर आज हमारा जो वीडियो है केवल इसी पर है कि मल्चिंग में खाद कैसे देनी है। तो ये प्रश्न हमें लगता है अब आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और कैसे खाद देना है इसकी जानकारी मिल गई है। और मल्चिंग यदि आप नहीं लगाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़रूर लगा कर देखिए, रिजल्ट आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।